नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे नमकीन चावल। तो सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे लहसुन की कुछ कलियां और कोरिएंडर सीड्स, सूखे हुए साबुत धनिये के बीज, और इसको अच्छे से कूटना शुरू करेंगे। इसका एकदम परफेक्ट मसाला बना देंगे। इफ इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और ये थोड़ा सा हमने डाल दिया इसमें गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। इसका भी हमें पेस्ट बनाना है, तो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा एकदम पानी, बिल्कुल थोड़ा पानी यूज़ किया हमने, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो एकदम परफेक्ट मसाला तो हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम लेंगे चूल्हा और इसके ऊपर अपनी चढ़ाएंगे कढ़ाई, और इसके अंदर डालेंगे हम गाय का एकदम देसी येलो घी, बहुत सारा घी डालेंगे फिर इसके अंदर, ताकि हम अपनी चीज़ों को एकदम परफेक्टली भून सके। अभी हम लेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, एकदम टेस्टी ड्राई फ्रूट्स, और इसके अंदर डाल लेंगे। मेरा घी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, इसीलिए मैंने डाल के इसको बस 2 मिनट में उतार लिया, यानी निकाल लिया। आपका भी घी कम गर्म हो तो इसको थोड़े देर तक भुनने देना, इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने देना। अभी इसी घी के अंदर हम डालेंगे अपना बेल लीफ यानी पत्ता, और इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी दालचीनी, 2 लौंग और 2 काली मिर्च। फिर इसके अंदर डालेंगे हम लाल साबुत मिर्च और थोड़े से कड़ी पत्ते। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा, और इसको अच्छे से चला देंगे। हमने लिया है एक आलू, थोड़े से टमाटर कटे हुए, एक प्याज बारीक चॉप्ड हुई, थोड़ी सी गोभी यानी कॉलीफ्लावर, और थोड़ी सी कैप्सिकम, थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स, और लहसुन की कलियां और हरी मिर्च। अब इसके अंदर डालेंगे हम अपनी प्याज, प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, फिर इसके अंदर बाकी सारी सब्जियां डालेंगे, जैसे कि हमारा आलू। आलू के बाद हम डालेंगे इसके अंदर थोड़े से टमाटर यानी टमाटो। टमाटो बहुत पानी सीक्रेट करता है, इसीलिए थोड़ा कम डालेंगे। उसके बाद डालेंगे हम कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, थोड़ी सी गाजर, ताकि हमारा मसाला एकदम रंग बिरंगा बन जाए। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हेल्दी, रंग बिरंगा, एकदम ब्यूटीफुल एंड कलरफुल बन चुका है। अभी इसके अंदर हम डालेंगे मसाला जो हमने कुंडी सोटे के अंदर पीस के तैयार किया था, फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर तक पकने के लिए छोड़ देंगे। पकने के लिए इसको हम इसके ऊपर ढक देंगे एक प्लेट, और इसको 5-10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारा मसाला एकदम पक के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी हो गया है, सारा मसाला सब्जियों के अंदर तक चला गया है। पानी छोड़ना था जितना, मतलब टमाटो को, उतना वो ऑलरेडी छोड़ चुका है। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे पानी यानी वाटर। 2 गिलास पानी डाल रही हूँ, मतलब 2 गिलास की कोई बात नहीं है, आपने जितने चावल लिए हैं उससे डबल पानी डालना है, या फिर उतना पानी जितने में आपके चावल डूब जाए, और इसको अच्छे से बॉईल कर देना है। तो आप देख सकते हैं पानी एकदम बॉईल हो चुका है, सब्जियां ऊपर आने चुकी हैं, आग भी एकदम परफेक्ट जल रही है। लकड़ी को थोड़ा सा अंदर करेंगे और इसके अंदर डालेंगे अपने चावल। चावल डालने से पहले इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा घी, ताकि इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हांस हो जाए। अभी इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से चावल जो हमने पहले ही भिगो के रखे थे, और इस पर एक प्लेट ढक देंगे। प्लेट ढकने से क्या होगा, ये जल्दी बॉईल हो जाएंगे। तो देखिए शाम हो चुकी है और इसको हमने ढक दिया है। अब आप देख सकते हैं हमारे चावल एकदम रेडी हो चुके हैं। थोड़ी सी रात हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितने खिले खिले, एकदम ब्यूटीफुल, टेस्टी, यम्मी यम्मी, डिलीशियस चावल हमारे बनके एकदम तैयार हो चुके हैं। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। अभी इसके अंदर हम डालेंगे ग्रीन फ्रेश कोरिएंडर लीव्स यानी हरे धनिए के पत्ते। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। अभी इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारे चावल की रेसिपी तो एकदम रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। आप देख सकते हैं खाना एकदम सर्व कर दिया है। अगर आपको भी ये खाना है तो
तो आप भी अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनेगी, बहुत ही फास्ट है, हेल्दी और टेस्टी है। बाय गाइस।